हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। मेरे पास काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर कुछ ग्रेजुएशन लेवल की कुछ वीडियोस बना दीजिए, तो उन्हीं के लिए मैंने सोचा कुछ वीडियोस बना दूं। उसी में से एक वीडियो है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते ही क्यों हैं, व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की ज़रूरत हमें पड़ती ही क्यों है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो हम डे टू डे लाइफ में एवरीडे जो भी हम काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स होती है। इकोनॉमिक्स है क्या? हम पैसा कहां से कमाएं, क्या करें कि पैसा कमाया जाए, हाँ जायज, और हम किस तरीके से उसको ऐसे खर्च करें कि हमारी सारी जरूरियात पूरी हो जाए, हमारी सारी नीड्स पूरी हो जाए। जाहिर है जो पैसा है वो लिमिटेड है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हमारे पास अनलिमिटेड है, हम कुछ भी कर सके, तो हमें फिर चॉइस करनी होती है। इसीलिए इकोनॉमिक्स को हम स्टडी ऑफ चॉइस भी कहते हैं, और इकोनॉमिक्स को हम स्टडी ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। तो बेसिकली वेल्थ, पैसा, जो पैसा है वो कहां से आ रहा है और किस तरीके से हम इस तरह से चॉइस कर रहे हैं उसको खर्च करने में कि हमारी सारी की सारी जरूरतें या नीड्स पूरी हो रही हैं। तो इकोनॉमिक्स का अगर आप स्कोप की बात करें तो बहुत ज्यादा वाइड है, लेकिन जाहिर है इसकी क्या नीड है, हम क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इसके रीजंस को ब्रॉडली चार जगह पर डिवाइड किया गया। यानी ब्रॉडली हम कह सकते हैं कि हमारे पास चार रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आ जाता है कि हम अपनी जिंदगी को एक इकोनॉमिकली जीने का तरीका सीख जाते हैं। टू लर्न अ वे ऑफ थिंकिंग, टू लर्न अ वे ऑफ थिंकिंग, एक तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज, हम ये जान जाते हैं कि सोसाइटी किस तरीके से काम करती है, हम सोसाइटी में इकोनॉमिकली यानी एक हम एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक किस तरीके से बनकर रह सकते हैं, यानी टू अंडरस्टैंड सोसाइटी, टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। हम सोसाइटी में किस तरीके से रहें, क्या सोसाइटी में होता है, कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, क्या होता है, सिस्टम क्या है इकोनॉमी के चलने का, ये हम इससे सीख जाते हैं। तीसरी बात कहलाती है कि जाहिर है हम देखते हैं न्यूज़ वगैरह में देखते हैं कि इतना एक्सपोर्ट हो रहा है, इतना इंपोर्ट हो रहा है, उस कंट्री से ये रिलेशन, इस कंट्री से ये रिलेशन, बायलैटरल ट्रेड, लेटरल ट्रेड, प्रोडक्ट ट्रेड, ये सब क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स सीखेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि ग्लोबल अफेयर्स क्या होते हैं। टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल अफेयर्स, ये हम सीख जाते हैं कि ग्लोबल अफेयर्स किसको कहते हैं। और जाहिर है बहुत बड़ा रीजन होता है कि हम नॉलेज किस तरह गेन करते हैं सारी चीजों के लिए। हम न्यूज देखते हैं, न्यूज देखने का बेसिकली मकसद क्या होता है, नॉलेज, ठीक है। हम इकोनॉमिक्स न्यूज भी देते हैं, बिजनेस न्यूज देखते हैं, पॉलिटिकल न्यूज देखते हैं, सारी न्यूज हम देखते हैं। तो इसके अंदर एक बेसिकली अब ये भी होता है कि हम एक इंफॉर्म्ड नागरिक बन जाए, हम एक ऐसे नागरिक बन जाए जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, जाहिर है फिर हम हर जगह बोल पाते हैं, बता पाते हैं। तो टू बी एन इंफॉर्म्ड सिटीजन, टू बी एन इंफॉर्म्ड सिटीजन, ये बेसिकली चार ब्रॉडली डिवाइडेड रीजन है जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अब इन्हीं सबको हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो सब कैटेगरी आएगी उसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी जो आप जनरली पढ़ते होंगे इनकी रीजंस की वजह से। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे टू लर्न अ वे ऑफ थिंकिंग, हम किस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। यानी हम इकोनॉमिक के बारे में ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक के अंदर बेसिकली तीन फंडामेंटल कंसेप्ट होते हैं जो कि आपकी चॉइस को चेंज करने के रीजन बनते हैं। यानी तीन फंडामेंटल कंसेप्ट हैं जो आपकी चॉइस को चेंज कर सकते हैं। जैसे
इसी के अंदर है, किस तरीके से हम अपनी थिंकिंग को चेंज करते हैं। उसके लिए हम लोग जर्नली देखते हैं किसी भी डिसीजन को लेते वक्त के उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हम किसी भी चीज को लेते वक्त देखते हैं कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। दूसरे, हम मार्जिनलिज्म का भी बहुत ख्याल रखते हैं। यानी हम जो है वो कोई भी डिसीजन लेते वक्त बिल्कुल मार्जिन पे सोचते हैं। थोड़ा सा भी डिफरेंस है, अच्छे ऑप्शन पे जाओ। ऐसा नहीं है कि साहब इसमें 10 है और उसमें 9 है तो ठीक है हम 10 खर्च कर देंगे। नहीं, आप मार्जिन पे सोच के चलते हैं, ठीक है। और तीसरी बात होती है वर्किंग ऑफ इफिशियंट मार्केट, जिसको हम लोग कहते हैं वर्किंग ऑफ इफिशियंट मार्केट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या चीज है? देखिए, हम रोजाना, हम क्या, आप पूरी कंट्री की बात की, हम एक नेशन की बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, बहुत सारे काम किए जाते हैं, उसके लिए थाउजेंड्स ऑफ डिसीजन रोजाना लिए जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ डिसीजन रोज लोग एक नेशन के अंदर, एक कंट्री के अंदर लेते हैं। बहुत बड़ा डिसीजन कंट्री को लेना होता है, या आप एक इंडिविजुअल को ले लीजिए, कंट्री पे आते आते आप एक इंडिविजुअल पे आ जाइए कि हम अपनी इनकम को किस तरह से डिवाइड करें, कितना हमें गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी है, कितना हमें काम करना है कि बच्चों को स्कूल भेजना है, महंगे में भेजना है, सस्ते में भेजना है, कहां हम बिजनेस शुरू करें, कहां हम रहें, क्या चेंजेस इकोनॉमी के अंदर आ सकते हैं, कितना हम खर्च करें और कितना सेव करें, ठीक है। ये सारे के सारे डिसीजंस आपको रोज लेने होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो इनकम आ रही है वो लिमिटेड है, उसी इनकम के अंदर आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे की फीस हर चार चार महीने पे या हर तीन तीन महीने पे जा रही है, तो जिस महीने आपको बच्चे की फीस देनी होगी उस दिन का बजट आपका अलग बनेगा, जिसमें नहीं जा रही होती उसका बजट अलग बनता है, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट बच्चे की फीस में चला जाता है। और बहुत सारे अलग अलग रीजन है जिसके लिए आपको रोजाना बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है। जो इकोनॉमिक्स है वो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है कि हम किस तरीके से डिसीजन लें। और यही है वे ऑफ थिंकिंग, किस तरीके से हम सोचें कि हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं इकोनॉमिकली। और इस जितने भी डिसीजंस होते हैं उन सारे डिसीजंस के अंदर ट्रेड ऑफ होता है। ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ किसको कहते हैं? गिव एंड टेक, लेन देन। यानी और अगर ट्रेड ऑफ हो रहा है तो वो ट्रेड ऑफ के अंदर लाजिम है कि वहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं, ट्रेड ऑफ कर रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस जरूर कर रहे होंगे, ठीक है। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम जानते हैं, पहले भी हम कई वीडियोस में पढ़ चुके हैं, चाहे तो उसको देख लीजिएगा। बेसिकली जो बेस्ट अल्टरनेटिव हम चूज करते हैं उससे पहले वाला अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। मेरे, मैं कोई काम करने जा रहा हूं, मुझे ऑप्शंस चाहिए, उसके अंदर सपोज कर लीजिए 5 ऑप्शन है मेरे पास, ए बी सी डी और ई, ये ऑप्शंस है मेरे पास। और मैंने उसके अंदर, जाहिर है मैं अब शॉर्टलिस्ट करूंगा कि कौन से बेस्ट ऑप्शन है। मैंने देखा कि ए, मैं एक सीक्वेंस में लेके चल रहा हूं, हम बीच बीच में से भी काट सकते थे लेकिन मैं ऐसी बता नहीं चल रहा। हमने देखा ए बहुत अच्छा नहीं है, फिर इन चारों को एनालाइज किया, बी बेकार था, फिर इन तीन को एनालाइज किया, सी बेकार था। यानी अब हम डी और ई पर आ गए, यानी ये अब तक के सारे अल्टरनेटिव में से बेस्ट निकल कर आ गए। हमने जो है दोनों में देखा तो इसमें 5 खूबियां थी और इसमें 3 खूबियां थी। यानी ये जो है इसके अंदर 5 खूबियां हैं, ये बेसिकली आप कह लिए खासियत है, बेनिफिट्स है, इसको बेनिफिट्स ले लीजिए। और इसके अंदर 3 बेनिफिट्स हैं। जो बेनिफिट्स इसमें है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहां पर आपको चूज करना है तो इन दोनों में से कौन सा चूज करेंगे आप? 5 वाला, क्योंकि इसमें 5 अच्छाइयां हैं, ठीक है। इसका मतलब इसको चूज करने के लिए आपने
इसको सेक्रीफाइस किया। आपने इसको सेक्रीफाई कर दिया इस वाले को, तो इसमें जो तीन खूबियां थी वो आपने सेक्रीफाइस कर दी, यानी इसको पाने के लिए, इनको पाने के लिए ये आपने सेक्रीफाइस किया। दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी इस प्रोजेक्ट की जो आपने सेलेक्ट किया है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये वाला होगा। इसलिए इसको कहा बेस्ट अल्टरनेटिव। बेस्ट अल्टरनेटिव क्यों कहा गया बेस्ट अल्टरनेटिव? ये भी कह सकते थे अल्टरनेटिव जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसमें फिर ये भी तो आ जाते ना सारे। बेस्ट अल्टरनेटिव तो ये है क्योंकि अब आखिर में कंपैरिजन इन दोनों के अंदर था ना, इसलिए बेस्ट अल्टरनेटिव हो गया। वो बेस्ट अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। एग्जांपल लीजिए, मैं एक जर्नल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं। आप मूवी देखने जाते हैं, है? कुछ लोग देखते हैं मूवी। मूवी जब आप देखने जाएंगे तो सपोज कर लीजिए आपने वहां पर 100 रुपीज का टिकट लिया, आपने टिकट लिया 100 का, ठीक है। अब आपने कहा कि कितना खर्चा हुआ, बेसिकली खर्चा तो हमारा 100 का हुआ, 100 का हमने टिकट लिया है, ठीक है। हम टैक्सी से गए, 50 रुपए उसने ले लिए, नहीं मिलती 50 रुपए में, मान ले 150 का हो गया हमारा, कि यही खर्चा हुआ हमारा मूवी देखने के लिए। दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन आपने कितना टाइम खर्च किया, आधा घंटे गए, 3 घंटे पिक्चर हॉल में बैठे, आधा घंटे में आए। मिनिमम मैं बता रहा हूं कि जाती टिकट भी मिल जाए तो आपको 4 घंटा मिनिमम लगेगा, ठीक है। वो 4 घंटा आप अगर कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर लेते तो आपकी कमाई हो सकती थी। सिर्फ फॉर एग्जांपल उस कमाई में, उस 4 घंटे में आप 50 रुपये कमा सकते थे। तो बेसिकली मूवी देखने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये 50 रुपये है। टोटल कॉस्ट तो जाहिर है पूरी 200 आएगी, टोटल कॉस्ट हम करेंगे 200, लेकिन जो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो गई, क्योंकि आपने अपना टाइम भी तो वहां पर बर्बाद किया, खासा टाइम आपने वहां पर बर्बाद किया, उसी की वजह से आपको ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यही कहते हैं कि ट्रेड ऑफ है, कहा ना ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर ट्रेड ऑफ आ जाता है। कोई भी डिसीजन लीजिए ट्रेड ऑफ है, ये डिसीजन लिया ये हम उसके अंदर जाय कर रहे हैं, ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसीलिए कहा गया कि ये ट्रेड ऑफ है और सेक्रीफाइसेस कहलाते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट जो है वो काफी रिसर्च डेवलपमेंट करती है स्पेस क्राफ्ट के अंदर, ठीक है। एक एग्जांपल मैं नासा का लूं, नासा कितना बिलियन डॉलर्स लगाती है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। वो पैसा वो एक सोशल कॉज पर भी लगा सकते हैं, स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, पब्लिक पार्क्स बनाए, ठीक है। तो यानी जब हम पैसा वहां लगा रहे हैं तो उस पैसे की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो होगी ना, हम उस पैसे को यहां इस्तेमाल करने के लिए कुछ तो कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी वो चीज इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती ही क्यों है, क्यों अराइज होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जरूरत ही नहीं है। उसकी मेन वजह होती है स्केर्स रिसोर्सेस। क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेस है वो स्केर्स है, लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं है। अगर अनलिमिटेड होती तो फिर डिसीजन की जरूरत ही नहीं थी। मेरे पास भरा हुआ है पैसा, मुझे पता ही नहीं कितना पैसा है, तो मैं क्यों डिसीजन लूं कि ये वाला ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन, मैं तो दोनों ले लूंगा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसीलिए होती है, डिसीजन इसीलिए लिए जाते हैं क्योंकि हमारी रिसोर्सेज स्केर्स है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड अगर होती तो फिर इकोनॉमिक्स की ही जरूरत नहीं थी। इकोनॉमिक्स में हम चॉइस तो पढ़ते हैं ना कि रिसोर्सेज स्केर्स हैं, इसलिए उन स्केर्स रिसोर्सेज को हमें हिसाब से लगाना होगा, कौन सी चीज कितनी कहां, ये चॉइस है, इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो फिर जरूरत ही नहीं किसी इकोनॉमिक्स की। इसी तरीके से जो ये पहला रीजन हुआ वे ऑफ थिंकिंग वाला, कि हम ये सोचने लायक हो जाते हैं कि हम कहां सही लगाए पैसा, हमारी थिंकिंग जो है वो इकोनॉमी के हिसाब से चलने लगती है। दूसरा है मार्जिनलिज्म। मार्जिनलिज्म, देखिए मार्जिनलिज्म हमारा एक सेकेंड कंसेप्ट है जो कि चॉइस को एनालाइज करता है। मार्जिनलिज्म अगर आप पढ़ेंगे, मार्जिनलिज्म के मीनिंग क्या है, एक प्रिंसिपल है जो हमें बताता है कि किस क्या
इकोनॉमिक डिसीजंस कैसे लिए जाएं और किस तरीके से इकोनॉमिक बिहेवियर आदमी का चेंज होता है, यानी आदमी का जो बिहेवियर है वो इंक्रीमेंटल यूनिट के हिसाब से चलता है, यानी जो डिसीजन है वो इंक्रीमेंटल यूनिट के हिसाब से चलते हैं, उसी को हम मार्जिनल कहते हैं, मार्जिन से बना है, हम लोग कहते हैं ना मार्जिन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल, उसी से मार्जिनलिज्म बना है, यानी जो हमारा मार्जिन के हिसाब होगा, जितना भी छोटी मोटी चेंजेस आएंगे उसके हिसाब से हमारे सारे के सारे डिसीजन होंगे, हम पूरी की पूरी ओवरऑल डेफिनेटिव कॉस्ट या डेफिनेट क्वांटिटी के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लेते, और जाहिर है ये जो भी हमारा मार्जिनलिज्म होता है, जो भी डिसीजन होते हैं मार्जिन के ऊपर वो कॉस्ट और बेनिफिट के हिसाब से होते हैं। एक एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए आपने एक टैक्सी किराए पे ली जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं और आपने एक टैक्सी मंगाई, तो एक टैक्सी वाले को आपने रोका, उसने पूछा कि हमें वहां जाना है, आप मुझे जरा सा बताइए कितना पैसे देंगे, तो उसने कहा कि 500 रुपए लूंगा मैं वहां तक के, ठीक है, आपने उस मना कर दिया, दूसरे से पूछा, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, बहुत ऑप्शन है, एक आया उन्होंने कहा 490 दे दीजिएगा, आपने कहा ये बढ़िया है, तो यानी आप मार्जिन पर सोच रहे हैं 490 और 500 मार्जिनल डिफरेंस है, आपने कहा कि नहीं मैं 490, ये जर्नली होता है, आप उस टैक्सी में बैठे और आप अपने काम सर चले गए और आपने अपना काम कर लिया। यहां पर जितने डिसीजन है उसके अंदर हम कॉस्ट एंड बेनिफिट का भी एनालिसिस करते हैं हर डिसीजन में, वो कैसे होगा, अब मान लीजिए जो टैक्सी 500 ले रही थी, टैक्सी ए 500 ले रही थी, वो आदमी चलता है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टैक्सी चलाता है, ठीक है, और जो हमारी टैक्सी बी थी वो सपोज कर लीजिए उसने 490 रुपए तो लिए लेकिन उसकी जो स्पीड रहती है वो 100 किलोमीटर पर आवर, और मुझे जहां जाना है मुझे वहां एक पर्टिकुलर टाइम से पूछना है क्योंकि मुझे किसी से पेमेंट लेनी है, आज के बाद वो पेमेंट नहीं देगा, एक मैं ऐसी एग्जांपल बना रहा हूं अपनी तरफ से, इसको समझिए, मुझे किसी से पेमेंट लेनी है और मुझे वहां पर पहुंचना है, अब अगर मैं इस आदमी को लेता हूं तो ये आदमी 500 तो ले रहा है लेकिन तेज चलाएगा और मुझे वहां पहुंचा देगा और मुझे वहां पर 10,000 का पेमेंट लेना है, 10,000 मिल जाएंगे, ये आदमी को मैं ले लूं ये 10 रुपए कम लेगा लेकिन हो सकता है ये मुझे वहां टाइम तक ना पहुंचा सके तो मेरे 10,000 रुपए खतरे में पड़ जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा उस वक्त मैं इसको लूंगा, दैट इज एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, आप दोनों तरफ से देखेंगे आप कितना मार्जिन पे यहां भी सोच रहे हैं, आपने इससे ये नहीं कहा कि नहीं मैं तुझे 1,000 दे दूंगा चल तू, नहीं 490 थे, इसमें भी आप देखेंगे कि आदमी 490 पे, अगर कोई 120 वाला 500 एक और है आदमी जो 120 पे ही चला रहा है लेकिन वो 510 मांग रहा है तो आप इसके साथ नहीं जाएंगे, फिर आप वही मार्जिन पर सोच रहे हैं, यानी आपके डिसीजन मार्जिन कॉस्ट पर होते हैं, ठीक है मार्जिन पर लेते हैं लेकिन कॉस्ट एंड बेनिफिट को बिल्कुल पूरी तरह ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और तीसरा है मार्केट इफिशियंसी, ये हम जो सबसे पहला रीजन है उसी को पढ़ रहे हैं अभी, मार्केट इफिशिएंसी, ठीक है, जो हम पहला पढ़ रहे थे लर्न वे ऑफ थिंकिंग उसी का ये तीसरा पार्ट है, यानी हम जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं जिसके हम ये मान के चलते हैं कि हमारी थिंकिंग चेंज होगी इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, उसके लिए हमें ये भी जानना एक जरूरी होता है कि मार्केट इफिशियंसी किसे कहते हैं, उसी हिसाब से हम सही डिसीजन ले पाएंगे। ये जो एक हाइपोथेसिस है जिसको हम मार्केट एफिशिएंसी कहते हैं, अगर आप इसको नेट पर जाकर ढूंढेंगे देखेंगे तो जनरली ये कहते हैं कि इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है नो फ्री लंच, और दूसरा होता है उसका लंबा है प्राइस इज राइट, जनरली उसको हम कहते हैं कि जो जो हमारे प्राइस होते हैं किसी भी चीज के वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से सही होते हैं, प्राइस इज राइट, ठीक है। तो यहां हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम मार्केट एफिशिएंसी अपने हिसाब से देख के चल रहे हैं यहां पर, क्योंकि हम सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ने के रीजन को बात कर रहे हैं। तो जो ये मार्केट एफिशिएंसी होती है ये कहते हैं कि इसके अंदर एक कंपोनेंट है कि नो फ्री लंच, यानी अगर आपको फ्यूचर स्टॉक, एक एग्जाम्पल में लेके चल रहा हूं, अगर आपको फ्यूचर स्टॉक के प्राइसेस पता करने हैं या आपको देखना है फ्यूचर में मैं किस तरीके से ज्यादा प्रॉफिट को कमा सकूं, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मुझे मिल सके,
तो ये कहता है नो फ्री लंच के ऐसा नहीं हो सकता जब तक आप उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा ना जाए, यानी जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा रिटर्न होगा। इसलिए कहा जाता है देयर इज नो फ्री लंच। ऐसा नहीं है कि आप पैसा ना लगाएं इस प्रेडिक्शन के अंदर और आप ये मान के चले कि नहीं मुझे पता चल जाए मैं फ्यूचर में कितना इन्वेस्टमेंट कर, अभी कितना इन्वेस्टमेंट करूंगा फ्यूचर में इतना मिलेगा तो आप अभी लगा दें। ऐसा नहीं है। आपको इवन अगर फ्यूचर के लिए भी पता करना है तो आपको आज की डेट में पैसा लगाना पड़ेगा, और जब आप पैसा लगाएंगे तभी आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये चीज हम सीख पाते हैं अगर हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, हमारी वे ऑफ थिंकिंग उस हिसाब से काम करने लगती है कि किस तरीके से हम फ्यूचर में पैसा लगाएं। इसीलिए इसको जो कनेक्ट किया गया है वो किया गया है देयर इज नो फ्री लंच। अच्छा, दूसरी एक और इफिशियंसी की डेफिनेशन है, हम ये मानकर चलते हैं कि अगर हम कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें सडनली मिली तो क्या उस अपॉर्चुनिटी का हम फायदा उठा सकते हैं, क्या हमारे अंदर इतनी क्षमता है, क्या हम इतना आइडिया रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, रिसोर्सेज रखते हैं, यह भी हमें इफिशियंसी मार्केट को बताता है। अगर कर सकते हैं तो यानी हमारी मार्केट इफिशियंट है। तो इसीलिए इसको बेसिकली कहा जाता है कि जो हमारी मार्केट है अगर उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को सडनली कैप्चर कर सके तो उसको हम इफिशियंट मार्केट कहते हैं। यानी सडन अपॉर्चुनिटी को हंट करने का बेसिकली मकसद क्या है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल दूं कि आप मूवी का मैं एग्जांपल दे रहा था, आप मूवी देखने के लिए गए, ठीक है, वहां चार लाइनें लगी हुई हैं, उन चारों लाइनों के अंदर आपको यह देखना है कि आप कौन सी लाइन में जाके लगेंगे। आप चार लाइन दिख रही है आपको, है ना, आप जाके कौन सी लाइन में लगेंगे, जो लाइन सबसे छोटी होगी। तो आपने ये डिसीजन कब लिया, सडनली, इस क्योंकि आपके अंदर एक इफिशियंसी थी। अदरवाइज आप जाइए, किसी को कुछ नहीं पता, कुछ आइडिया ही नहीं है, वो जाके किसी भी लाइन में लग जाएगा, वहां बहुत देर लग रही है, बहुत लंबी लाइन है वो, ठीक है। ये छोटा एग्जांपल है, फिट नहीं हो रहा, लेकिन यहां हम मार्केट की बात कर रहे हैं, पूरी मार्केट। यानी इसी तरीके से आपको सोचना होगा कि कहां मैं ज्यादा कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकूं, वो मार्केट इफिशियंट कहलाती है। इसका छोटा एग्जांपल मैंने ये वाला दिया, ठीक है। तो यही क्या कहते हैं इसका है, एफिशिएंसी मार्केट का है। और इसकी एक डेफिनेशन भी जो जनरली कही जाती है वो ये कही जाती है कि द कॉमन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंट मार्केट इज देयर इज नो सच थिंग लाइक एज फ्री लंच, देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। आपको कुछ ना कुछ लगाना होगा तब मिलेगा, एक कंसेप्ट ये है। और दूसरा ये कि जाहिर है आपको के अंदर इतनी क्षमता आ जानी चाहिए कि आप सडन डिसीजन ले सकें, ठीक है। तो ये जो पहला वाला चल रहा था जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि टू लर्न अ वे ऑफ थिंकिंग, ये वाला अब पूरा हुआ है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। टू अंडरस्टैंड सोसाइटी यानी इकोनॉमिक्स हम पढ़ते ही इसलिए है क्योंकि हम सोसाइटी को अच्छी तरह से जान जाते हैं कि सोसाइटी किस तरह से काम करती है, सोसाइटी में क्या होता है। ये सोसाइटी के अंदर मैं सिर्फ इकोनॉमिक की बात नहीं कर रहा, यानी आप अगर इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स कनेक्ट करती है बहुत सारी चीजों से, तो आप एक सोसाइटी के बारे में सारी चीजें जान जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका प्रेजेंट और पास्ट के डिसीजंस हैं वो आपके पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। आज जो आप कर रहे हैं या जो आपने पहले किया इकोनॉमिकली जो डिसीजन लिए वो हर तरह की आज की लाइफ या आपकी फ्यूचर की लाइफ पर भी असर करेगा। इकोनॉमिक लाइफ के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और माना जाता है कि ये जो हमारे पास जो एक इकोनॉमिक सिस्टम है उसके दो प्रोडक्ट हैं जिसमें बेसिकली हम सोसाइटी के लिए काम करते हैं, जिसका पहला है करंट स्टेट ऑफ फिजिकल एनवायरमेंट। अभी जो फिजिकल एनवायरमेंट हमें दिख रहा है वो किस लेवल पर है, कौन से डिसीजंस लेके ये यहां पहुंचा है, इसका डायरेक्ट इकोनॉमिक पर असर पड़ता है। हम कौन से सिस्टम पर चल रहे हैं, रोज लोग कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं। आज की डेट में हम एडवांस कंट्री में काउंट किए जाते हैं, डेवलपिंग में काउंट किए जाते हैं, अंडर डेवलप में काउंट किए जाते हैं, इस पर डायरेक्ट असर पड़ता है। और दूसरी चीज होती है द लेवल ऑफ मटेरियल वेलबींग। ये क्या चीज है मटेरियल वेलबींग, मटेरियल वेलबींग क्या है? दरअसल मटेरियल वेलबींग एक कंसेप्ट है जिसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। यानी आपकी कोई भी फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, आप
आप किसी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की फीलिंग्स से जा रहे हैं आपके अंदर, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आपको लेनी है, कितनी लेनी है, कितनी नहीं लेनी है, या आप कह लीजिए कि सब्जेक्टिव इकोनॉमिक वेलबींग है आपका, वो भी इस मटेरियल वेलबींग के अंदर कवर हो जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आपका, सेटिस्फेक्शन विद मटेरियल पोजीशंस है, आपके पास क्या है क्या नहीं है, ये भी इसी से कवर हो जाता है, सेंस ऑफ इकोनॉमिक डेप्रिवेशन है, यानी बहुत सारी चीजें इस मटेरियल वेलबींग के अंदर आ जाती हैं। अगर आप सोसाइटी को सही से समझना चाहते हैं तो आपको मटेरियल वेलबींग के अंदर कनेक्टेड सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स बताती है कि मटेरियल वेलबींग क्या है और क्या चीजें कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। जिसमें एक एग्जांपल दूं कि आप, हम जनरली न्यूज देखते हैं, न्यूज के अंदर हमें पता चलता है कि साहब वो एम्प्लॉयमेंट रेट ये चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना चल रहा है, इतनी इनकम है, इतनी नेशनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, सारी चीजें हैं। ये सब हमें कौन बताता है? इकोनॉमिक्स ही बता पाएगी। अगर आप जॉब, इसकी जॉब की बात करें तो हमें ये सोसाइटी के बारे में इसकी नॉलेज पूरी होना जरूरी है, उसके लिए हमें इकोनॉमिक्स टर्म्स आनी चाहिए या इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर ये बात कह रहे हैं कि इतने परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट थे तो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, नेचर और नंबर ऑफ जॉब्स कैसी है, कौन जॉब में है, किस लेवल का जॉबलेसनेस है हमारे यहाँ और किस लेवल पर जॉब्स लोगों के पास है, ये सारी चीजें समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है। क्योंकि देखिए, ये जॉब का जो मामला है ये सारी चीजों को असर करता है, चाहे वो आपका फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, वो भी इसी के अंदर आ जाती है, सिक्योरिटीज हैं, कोई भी चीजें आपकी जॉब के अंदर आ जाती हैं और आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर आ जाती हैं। इन चीजों को समझने के लिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ताकि जो सोसाइटी का वेलबींग है वो पूरा का पूरा हमारी समझ में आ जाए। तीसरा है टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल अफेयर्स। अंडरस्टैंड दी ग्लोबल अफेयर्स, हम लोग बहुत सुनते रहते हैं कि साहब इकोनॉमी इस एक कंट्री से साहब उसके रिलेशन खराब हो गए, इन दो कंट्री के रिलेशन अच्छे हैं, इन दो कंट्री के रिलेशन खराब हो गए, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वो गवर्नमेंट की अपनी प्रॉब्लम्स इश्यूज होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं। तो यानी जब दो कंट्री या कई कंट्रियों के बीच में कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो, कोई एक्टिविटीज हो, इवेंट्स हो, पॉलिसीज की इवेंट्स, एक्टिविटीज हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, इकोनॉमिक्स की हो, वो सारी की सारी ग्लोबल अफेयर्स के अंदर आ जाती है। यानी जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री के रिलेशन की बात करते हैं तो हम उसको ग्लोबल अफेयर्स कहते हैं। ये ग्लोबल अफेयर्स बहुत, इसका कंसेप्ट बहुत बड़ा है, इसके अंदर मानी इसको हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड कहते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड, यानी इसके अंदर बहुत डिसिप्लिन आ जाते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, ज्योग्राफिकल कल्चर हो, लीगल स्टडीज हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, कम्युनिकेशन हो, क्रिमिनल जस्टिफिकेशन हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। यानी और उसके लिए जाहिर है हम इकोनॉमिक्स अगर पढ़ते हैं तो हमें ये चीजें जल्दी समझ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि चाहे वो क्योंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी है तो इसके अंदर चाहे हम इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स को पढ़ें, सोशल पढ़ें, ज्योग्राफिकल पढ़ें, एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ें, लीगल पढ़ें, सारे के सारे हमारी इकोनॉमी को असर करते हैं और हमारी इकोनॉमी को विद रिस्पेक्ट टू अदर इकोनॉमी, यानी दो कंट्री के बीच के रिलेशन इफेक्ट करते हैं आपकी इकोनॉमिक फोर्सेस से, सोशियोलॉजिकल फोर्सेस से, ज्योग्राफिकल फोर्सेस से, आपके कम्युनिकेशन के ऊपर, सारी जितनी भी चीजें जो इस ग्लोबल अफेयर्स के अंदर आ जाती हैं वो सारी की सारी डायरेक्ट हमारी रिलेशंस को, एक कंट्री से दूसरे रिलेशन को असर करती हैं, इफेक्ट करती हैं। इसीलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कि हम अच्छी तरह से ग्लोबल अफेयर्स को समझ लें, ठीक है। और इसी तरह आखिरी चौथा है टू बी एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन। To be an informed citizen. ये आसान है, आप खुद भी समझ सकते हैं कि हम basically हम economics, हर आदमी news देखता है, कुछ ना कुछ चीज समझ लेता है, लेकिन news के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें बोली जाती हैं economically, जब economics के आप देखिए business news देखिए,
अगर एक लेमैन जो बिल्कुल इकोनॉमिक्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, वो अगर वो बिजनेस न्यूज देखने बैठ जाएगा तो वो पूरी तरह से उसको समझ नहीं सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स आएंगी जो उसके समझ में नहीं आएंगे। लेकिन हम इकोनॉमिक्स इसीलिए पढ़ते हैं कि हम एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन जाएं, हमें चीजें पता हो। देखिए, आप चैनल के ऊपर बुलाया जाता है, हमने मिस्टर एक्स को बुलाया, ये इकोनॉमिक एक्सपर्ट है। ये क्या है? बेसिकली इन्फॉर्म्ड सिटीजन है, उनके पास नॉलेज है, वो उस नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि 2009 के अंदर 9, 7, 6, 7, 8, 9 के आसपास पूरी वर्ल्ड के अंदर एक इकोनॉमिक रिसेशन आ गया था। ठीक है, अब वो रिसेशन ने इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज्यादा डाउन कर दिया था और अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। तो जाहिर है, अब आप ये रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, घट रहा है, रिसेशन कैसे आया, क्या रीजन है, ये आप कैसे समझेंगे? जाहिर है, हर सारी गवर्नमेंट्स उसके लिए एक रिकवरी स्टेप्स ले रही हैं। आपको चीजें ही नहीं पता तो आप कैसे समझेंगे और कैसे हेल्प कर पाएंगे? ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको इन सारी चीजों के बारे में पता होगा। इसीलिए कहा जाता है कि एक आदमी इकोनॉमिक्स इसलिए भी पढ़ता है कि वो एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन जाए एक कंट्री का, ताकि अगर कुछ इस तरह के हालात हैं तो एक आदमी चीजें नहीं बदल सकता, लेकिन कहते हैं बूंद बूंद करके समुंदर बनता है, वो सिस्टम में हेल्प तो कर सकता है। और वो वही कर सकता है जो इन्फॉर्म्ड है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास इकोनॉमिक्स के आइडियाज हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स पढ़ते ही हम इसलिए हैं कि इन्फॉर्म्ड सिटीजन बने। ठीक है, तो बेसिकली ये चार थे जो चारों डिस्कस किए गए। पहला था टू लर्न द वे ऑफ थिंकिंग, दूसरा था टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी, तीसरा था टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल अफेयर्स, और चौथा टू बी एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन। यही ब्रॉडली 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। आप इसी को बड़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।